ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर चिली, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पनीर लिया है और पनीर मेरे घर का बना हुआ है, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं पनीर घर का ही प्रेफर करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से काट करके रखा है, बारीक काटा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पनीर में अरारोट पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक और यहाँ पे फूड कलर मैंने डाल के थोड़ा सा पानी डाला है और इसको अच्छे से मिला लिया है, ताकि जो हमारा पनीर है वो कोट हो जाए। बेसिकली ये कोट कर रहे हैं हम पनीर को। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला है, उसे प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद उस कोटेड पनीर को मैंने इसमें डाला है और इसको अच्छे से मैंने छान के निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा था, फूड कलर की वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आता है, जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो मैंने यहाँ पे सारे पनीर को अच्छे से छान करके निकाल लिया है, पूरा अच्छे से फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं। और इसका टेक्सचर भी इतना अच्छा रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है घर के पनीर का। फिर मैंने यहाँ पे उसकी ग्रेवी के लिए सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, उसके बाद उसमें बारीक कटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाला है, उसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने प्याज और शिमला मिर्च काट के रखा था, इसको भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको फिर से थोड़ा सा सॉटे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अदरक घिसा हुआ और लहसुन का पेस्ट यहाँ पे डाला है मैंने, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब्जियों में। और क्योंकि सब्जी का कच्चापन हट जाए, जिसकी वजह से हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखा था, ज्यादा नहीं पकाना है सब्जी को, बस थोड़ा सा सॉटे करना है। फिर इसमें हल्दी पाउडर डाला है मैंने, चिकन मसाला डाला है, चिकन मसाला से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फिर मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली है, टोमेटो प्योरी है, चिल्ली सॉस है और सोया सॉस है। फिर इन सबको बहुत अच्छे से सॉटे कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं इसमें। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो भी पनीर हमने फ्राई करके रखा था, उस पनीर को यहाँ पर डाल लेना है और अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो भी हमने सॉस के लिए बनाया है वो बैटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए पनीर में और एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। फिर इसको थोड़ा ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है नॉर का मंचूरियन मिक्स ग्रेवी मसाला और थोड़ा सा अरारोट पाउडर में पानी मिलाकर के मैंने यहाँ पे इसका मिश्रण बनाया है और इसे मैंने पनीर चिली के मिश्रण में डाल दिया है। और आप देख सकते हैं इसको थोड़ी देर पकाना है, लगभग 4 से 5 मिनट, और ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा और इसका जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छा सा निकल के आएगा। आप देख सकते ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा पनीर चिली बन करके। आप और इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें तो इसे में बहुत मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।